हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ से थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा बिकॉज मुझे थोड़ा सा जुकाम है। एंड कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेडिकल पे या स्ट्रैटेजी पे या फिर लाइफ ऑफ दिल्ली पुलिस पे। तो जो मैक्सिमम वोट्स आए थे वो लाइफ ऑफ दिल्ली पुलिस वाले टॉपिक पे थे। एंड बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि जिस चीज़ में हम जाना चाह रहे हैं आखिर वो चीज़ है क्या और कैसी है, उसमें क्या काम है, ये चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत अच्छी बात है जो लोगों ने उस टॉपिक पे वोट किया, बिकॉज सच में इस फील्ड में आने से पहले इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता होना आपको ज़रूरी है, और वो भी एक्चुअल। ठीक है, सो जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल देते हैं, सब फोटोज डाल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ, प्राउड मोमेंट, प्राउड फीलिंग आती है। बट जैसे हम कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन्स द थिंग्स आर डिफरेंट, द थिंग्स आर फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट सीम्स। ठीक है, हम कहते हैं कि दूसरों की थाली में हमें घी ज़्यादा दिखता है, और वो ये बात एकदम सच है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे लोगों के मैसेजेस से, कमेंट्स से, जो वो पूछते हैं, एंड मैं उन सबको कवर करना चाहती हूँ आज। ओके, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा कि मैम मतलब हमें कुछ गलत बताएं या कुछ नहीं। डेफिनेटली आई विल टेल यू एवरीथिंग इन रियलिटी। ओके, सो हम पहला जो क्वेश्चन लेंगे वो है द टॉपिक इट्सेल्फ, लाइफ इन दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में आने का सोच रहे हो कि मैं दिल्ली पुलिस में जाऊँ एज अ सब इंस्पेक्टर या एज एनी अदर पोस्ट, एट एनी अदर पोस्ट, ठीक है, तो ये एक रास्ता है जो एकदम क्लियर नहीं है। इस पे फूल और कांटे दोनों हैं। अगर आप सोचो कि हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें सिर्फ हमें फूल बिछे दिखेंगे कि नहीं लोग हम पे बरसा रहे हैं एंड सारा कुछ, नहीं, दिस नथिंग लाइक दैट। इस पे कांटे भी हैं, ठीक है। मतलब जितनी आप इसमें ग्रोथ करेंगे या जितना आप इसमें सीखेंगे, जितना आप इसमें नाम बनाएंगे, उतनी ही परेशानियां आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी जॉब स्मूथली चलते जाएगी, नहीं, आपको परेशानियां भी उतनी ही होंगी, ठीक है। तो फूल और कांटे वाला रास्ता है, ये आप याद रखिए। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, वैसे ही आपको अच्छा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा मिलेगा, आपको बुरा भी मिलेगा, ठीक है। सो यू मस्ट बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। कुछ लोगों ने ये पूछा था मैम ट्रेनिंग टफ होती है इजी, तो ट्रेनिंग के ऊपर मैं सोच रही हूँ एक अलग वीडियो बनाऊं, बट फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ट्रेनिंग दोस्तों बहुत टफ होती है। जो लोग ट्रेनिंग बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, फिजिकल बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, उनके लिए परेशानी होती है, जैसे कि मैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है तो वो आगे करे तैयारी, अदरवाइज ट्रेनिंग जिसको बहुत टफ लगने वाली है या फिजिकल, तो वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो करे। अगर उनको पैशन है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू दैट, ठीक है। अब मेडिकल टफ है या इजी, मेडिकल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मेडिकल काफ़ी टफ होता है और इजी भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सेंटर्स, ठीक है। जो मेरा मेडिकल सेंटर जहाँ फंसा था वो काफ़ी लीनियंट थे, तो मुझे परेशानी नहीं हुई। जैसे नॉर्थ में जो ट्रेनिंग सेंटर्स, मतलब मेडिकल सेंटर्स थे जहाँ पे मेडिकल हुआ था बच्चों का, तो उनको काफ़ी परेशानी आई थी इस चीज़ में। देखो, मैं सारे क्वेश्चंस, लगभग 15 क्वेश्चन है, सबके आंसर दूंगी। अगर आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगे तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं इसकी स्पीड, लेकिन देखना पूरा, क्योंकि आपके लिए सारे क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को आपकी अकॉर्डिंग, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज दिल्ली पुलिस ड्यूटी आवर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनी एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली पुलिस। सो ड्यूटी आवर्स दोस्तों इसमें एज सच फिक्स नहीं होते हैं। इसमें अगर आप इमरजेंसी ड्यूटी करते हो, देखो मैं आपको पोस्ट वाइज ड्यूटी आवर्स बता देती हूँ। इफ़ यू आर अ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, सो डिपेंड करता है कि आप बीट में हैं या नहीं हैं। अगर आप बीट में हैं तो आपको 24 आवर्स ड्यूटी है, आपको थाने में एक तरह से प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आप रात को जब फ्री हो जाएं अपने काम से तो आप अपने घर जा सकते हैं, बट अगर कोई कॉल आती है या कोई परेशानी आती है तो आपने तुरंत वापस आना होगा। सो इस तरह की बीट की ड्यूटी होती है जो कि कांस्टेबल्स एंड हेड कांस्टेबल्स करते हैं, और एक जो उनको हेड करता है वो ASI या SI हो सकता है, ठीक है। जो IO का काम करते हैं उनकी इमरजेंसी ड्यूटी लगती है जो कि 12 घंटों की होती है। IO मतलब कि कोई भी कॉल आती है, चाहे वो PCR से हो, चाहे वो पैदल कोई हमारे पास आ रहा हो इस तरीके से, तो वो, और या फिर कोई रिटर्न कंप्लेंट दे रहा हो, तो इन तीनों तरीके से जो कॉल्स आती हैं, जो केसेस आते हैं, वो IO हैंडल करते हैं। और IO हमारा हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, ASI भी हो सकता है, एंड SI तो होता ही है, ठीक है। तो IO बेसिकली कुछ IO इमरजेंसी करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे मैं इमरजेंसी ड्यूटी नहीं करती हूँ,
बीच में मैंने G20 के टाइम की थी, वो होती है 12 आवर्स की, उसमें सुबह 8 से रात को 8:30 या फिर रात को 8:30 से सुबह 8 तक आपको ड्यूटी करनी होगी, उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन द थिंग इज दैट आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप सुबह 8 से गए हैं तो रात को 8:30 रात को 8 बजे आप फ्री हो जाओगे, नहीं। अगर कोई कॉल ऐसी फंस जाती है जिसमें आपको काम ज्यादा करना पड़ता है या फिर जैसे किसी का मेडिकल होना है, वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 8 बज गए भाई मैं जा रहा हूँ मेडिकल, मैं नहीं कराऊंगा। मेडिकल आपने कराना होगा, स्टेटमेंट आपने लेने होंगे, अगर केस रजिस्टर हो रहा है तो वो भी आपको करना होगा, भले उसमें चाहे 2 बज जाए चाहे सुबह के 5 बज जाए। दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ एनी पर्सन कि भाई आपके 8 बज चुकी हैं। सो इसलिए हम इसे कहते हैं कि कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं होते कि हाँ 8 बजे घंटी बजी हम निकल लिए, ऐसा नहीं है पुलिस फील्ड में, ऐसा नहीं है स्पेशली, ठीक है। जैसे मैं अपने ड्यूटी आवर्स बताऊं तो मेरे भी कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं है। वैसे मैं सुबह 9:30 या 10 बजे चले जाती हूँ थाने, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वर्क कि कितना काम है, मैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 एनीथिंग, कभी भी कितने भी बजते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि मैं कब कितने बजे आऊंगी। मेरा जाना तय होता है लेकिन आना फिक्स नहीं होता कितने बजे वापस आऊंगी, ठीक है। तो इतना तो आप समझ लीजिए फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो फैमिली को ज्यादा टाइम देते हैं या अपने जो पार्टनर को, आपकी वाइफ वगैरह हो या जिसको भी आप ज्यादा टाइम देते हैं, या आपको नहीं ऐसा जमता है अनशेड्यूल्ड लाइफ, तो आप फिर थोड़ा सा सोच लीजिए, बिकॉज इसमें शेड्यूल पूरा खराब हो जाना है आपका अल्टीमेटली, ठीक है। तो फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं होते हैं, दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। वर्क ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कवर कर दिया है, मैंने बताया कि सब इंस्पेक्टर का काम होता है आईओ का, जो कि होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है और हमें लगता है कि हाँ ये कंप्लेंट, इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चलता है कि इस कंप्लेंट पे केस रजिस्टर होना है, तो हम SHO सर से डिस्कस करते हैं और उनके ऑर्डर्स पे हमें केस रजिस्टर कर देते हैं, जिसकी एक फाइल तैयार होती है और वो केस में जो भी काम करते हैं उस फाइल में उस डॉक्यूमेंट को अटैच करते जाते हैं, एंड फाइनली उस फाइल को हम कोर्ट में सबमिट कर देते हैं विद इन फ्यू डेज, जो एक टारगेट सेट होता है। लाइक नॉन हीनियस क्राइम है तो 3 महीना चल जाता है, एंड हीनियस है तो 2 महीने लास्ट होते हैं उस फाइल को कोर्ट में देने का, ठीक है। तो ये काम होता है सब इंस्पेक्टर का। वर्क ऑफ अनदर रैंक्स एज वेल, ये भी मैंने दोस्तों पिछले क्वेश्चंस में कवर कर दिया कि अनदर रैंक्स का वर्क क्या होता है। कोई बीट स्टाफ होता है जो बीट में लगते हैं 24 आवर्स, एंड कुछ लोग बीट में नहीं लगते, वो फिर नॉर्मल काम करते हैं। जैसे कोई भी एक रैंडम ड्यूटी मुंशी होता है एक हमारे थाने में जो ड्यूटी अपॉइंट कर देता है, तो उन लोगों को रैंडम ड्यूटी अपॉइंट कर देते हैं। जैसे मेरा काम है, मेरी फाइल है, आई एम एन आईओ, और मेरा कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके आना है, तो मैं मुंशी को कहूँगी कि दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी वेरीफाइड, एंड मुंशी किसी सिपाही को या हवलदार को, किसी को भी अपॉइंट करेगा कि आप दीपा मैडम का ये कागज़ ले जाइए और इसे वेरीफाई करा के ले आइए। इस तरीके से काम होते हैं, ठीक है। अदर रैंक्स का आपको पता चल गया है, एंड जो इंस्पेक्टर होते हैं वो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो और ज़्यादा हीनियस या सेंसिटिव वैसे केसेस होते हैं टफ, वो उनको मिलते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया एंड ऑल। और SHO सर जो होते हैं वो पूरा थाना संभालते हैं, ठीक है। कैन बी स्टडी अलॉन्ग विद जॉब, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस जॉब में आने से पहले मैं दूसरों से पूछा करती थी, आज दूसरे मुझसे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड दिस आईनी टू आंसर दिस दैट। मैं भी सुन के हताश हुई थी ये चीज़ जब मुझे लोगों ने बताया था कि इस जॉब में आप रह के नहीं पढ़ सकते, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी। एंड पर मेरा आंसर भी दोस्तों सेम है कि स्पेशली आईओ का काम अगर आप कर रहे हैं एज अ सब इंस्पेक्टर, तो पढ़ना मुश्किल बहुत है, नामुमकिन तो नहीं कहूँगी, बट हाँ शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि आप नहीं पढ़ पाते हो, एनर्जी नहीं बचती है। ये वीडियो जो है वो मैं रात के, अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो रात के 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं थाने से लेट आई हूँ, द फर्स्ट थिंग इज दैट। और दूसरे बात यह है कि फ़ोन पे इतने सारे कॉल्स आते हैं थाने से कि अगर मैं पहले रिकॉर्ड करती तो किसी का फ़ोन आने के बाद ये वीडियो कैंसिल आउट हो जाता एंड मेरी मेहनत ख़राब हो जाती। तो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग के लिए मैं ये रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड मैं लेट भी आई हूँ, ठीक है। सो द थिंग इज, ये क्वेश्चन भी कम्प्लीट है कि हम जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और अगर हम ऊपर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। अगर आप CGL वगैरह की कर रहे हैं तो पॉसिबल है, बिकॉज CPO एंड CGL का सिलेबस जो है वो लाइक कोऑर्डिनेट करता है एक तरह से,
है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी ज्यादा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बट नॉट लाइक यूपीएससी. इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम देन दिस इज नॉट फॉर यू. ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ या मैं अभी मतलब इस जॉब में नहीं रहना चाहता या आगे करना चाहता हूँ, तो आई हैव एन आइडिया फॉर यू दैट कि आप एक्सटेंशन ले लीजिए. अगर आपको लग रहा है 6 महीने में कोई एग्जाम निकल सकता है तो आप 6 महीने का ले लीजिए. आपको लगता है 1 साल में निकलेगा तो आप 1 साल का ले लीजिए, लेकिन आपको एक्सटेंशन लेना चाहिए बजाय इसके कि आप यहाँ पे ज्वाइन करें एंड उसके बाद आप यहाँ परेशान हो. ठीक है, तो डिसाइड अच्छे से करना है, आपने किसी की सीट खराब नहीं करनी है. और अगर आपको जैसे इस टाइप की, मैं इसलिए बता रही हूँ ये सारी बातें कि इस टाइप की जॉब नहीं पसंद है तो आप मत दो सीपीओ का एग्जाम, किसी और की सीट खराब नहीं होनी चाहिए. बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारी बातें पता है, स्टिल दे आर वेरी वेरी पैशनेट कि हमें दिल्ली पुलिस में ही जाना है. कुछ लोगों का पैशन होता है, सो लेट देम फॉलो देयर पैशन. आप सिर्फ एक जॉब के चक्कर में किसी और के पैशन पे वो मत करिए. ठीक है, मतलब सीट खराब होती है बहुत खराब लगता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जॉब गुड और बैड. तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जितने लोगों से पूछोगे सबका रिव्यू अलग आएगा, बिकॉज हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है. जैसे लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारा तो बैंक का इजीली निकल जाता, तुम तो इंटेलिजेंट हो एंड ऑल. तो आई आंसर देम दैट कि आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं 6x4 या 8x8 जो भी उनका ऑफिस होता है उसमें मैं बैठ के कंप्यूटर चला सकूं. मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हूँ, सोशल हूँ. मुझे नहीं पसंद ऐसी थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लाइफ, मुझे ऐसी ही चाहिए थी. अगर मुझे अभी भी कोई बैंक पीओ या कुछ ऐसा काम देता है जिसमें मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट रहूं या कम इंटरेक्ट कर पाऊं लोगों से, तो मैं शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी. बिकॉज इसमें कितने भी चैलेंजेस हो, बट आई लव इट बिकॉज आई एम सोशल, आई एम एक्सट्रोवर्ट एंड आई लव टू स्पीक अ लॉट लाइक यू कैन सी. ओके, सो हर किसी का पर्सनालिटी अलग होती है, हर किसी की चॉइस अलग होती है. आपकी अलग पर्सनालिटी होगी, आपकी अलग चॉइस होगी, नो डाउट. सो अपने अकॉर्डिंग देखो, किसी के कहने से मत सुनो. कोई कहता है नहीं मुझे नहीं पसंद ये जॉब, तो ऐसी है आप तो एक्सटेंशन लो ये करो, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप आइए, डेफिनेटली आइए. यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, दिस डिपार्टमेंट इज फुल ऑफ इमोशंस. मतलब कि ये जॉब है, ये कंप्लीट इमोशंस है, इसमें एक भी इमोशन मिस नहीं होगा. जैसे कि आप खुश भी रहोगे, आप दुखी भी रहोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड भी रहोगे, आप सेटिस्फाइड भी रहोगे, प्राउड भी फील करोगे कभी कभी, कभी रिग्रेट भी फील करोगे. एंड मतलब हर टाइप की फीलिंग है इसमें. जब हम कोई बहुत अच्छा काम कर देते हैं, कोई अच्छा केस, मतलब किसी एक्यूज को ढूंढ के अरेस्ट कर लिया बहुत मुश्किलों से, तो बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है. एंड जब उसकी फैमिली वाले आपको दुआएं देते हैं, विक्टिम की फैमिली जो होती है, तो बहुत खुशी होती है. वहीं पे बुरा भी लगता है जब कोई आपको बददुआएं दे रहा हो, एक्यूज्ड की फैमिली. कई बार ऐसा होता है कि केस फेक केस होता है, कि जैसे फेक कंप्लेंट है पर हमारी मजबूरी है कि हमें रजिस्टर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द लॉ. तब बहुत रिग्रेट होता है कि हमसे गलती हो गई, पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं कानून के हाथों. तो ऐसे बहुत सारी मतलब आपको आएंगे थॉट्स, फीलिंग्स आएंगे. जब आपको कभी एसएचओ सर गुस्से में डांट दे तो आपको शायद रोना भी आ जाए एंड बुरा भी लगे, बट कभी वही आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यस यू डिड अ ग्रेट जॉब, तो अच्छा लगेगा. तो कंप्लीट इमोशंस है इसमें. अगर आप सोचो कि हमेशा दुखी रहोगे तो दैट्स नॉट अ ट्रुथ. अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है कि बस जॉब तो खराब है, तो ऐसा नहीं है. हर टाइप के इमोशंस हैं, आप उसको कैसे लेते हो डिपेंड आप पे करता है. ठीक है, उस पर्सन की बात आप बिल्कुल मत सुनिए जो आपको कुछ भी ओपिनियन दे. मैं आपको इसलिए ऐसा बता रही हूँ बिकॉज कि हर टाइप के इमोशंस हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिसाइड करिए, नॉट ऑन अदर्स ओपिनियन. अपनी पर्सनालिटी आपकी कैसी है, क्या आप ये सब चीज़ें बियर कर पाओगे, क्या आपके बच्चे का बर्थडे अगर मिस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर ड्यूटी आवर्स, क्या आप इस चीज़ को बियर कर पाओगे. अगर कर सकते हो तो आप आओ, नहीं कर सकते हो तो मत आओ. एक केस आपको मैं बताती हूँ इसमें एग्जांपल कि हमारे बैच में एक मतलब जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होते हैं, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मतलब जो पहले कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल था, वो एग्ज़ाम दे के सब इंस्पेक्टर बना हमारे बैच में. एंड अगेन वो इतना परेशान हो गया इस फील्ड में, इस वर्क में, एज एन आईओ की पोस्ट में, कि उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी कि मैं अपनी उस पुरानी पोस्ट पे वापस जाना चाहता हूँ जो कि हेड कांस्टेबल की थी. सो गाइज, आप समझ सकते हैं कि कोई अपनी मेहनत से अर्न की हुई चीज़ को वापस छोड़ के अपनी पुरानी पोजीशन पे जा रहा है,
कोई तो बात होगी, कोई तो परेशानी होगी। उन्होंने उसमें उसका रीज़न ये दिया था कि आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, दिस इज द रीज़न आई एम गिविंग दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो अपनी जगह सही है, अगर उनके लिए प्रायोरिटी फैमिली है तो दैट्स टोटली परफेक्ट। उसमें अगर वो कोई बेवकूफ़ उन्हें बोले तो दैट इज मतलब वो पर्सन बेवकूफ़ है जो उन्हें ऐसा कह रहा है। ठीक है, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। अगर जैसे मैं अपने फैमिली से दूर आके रह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली मेरी प्रायोरिटी नहीं है, बट कई बार आपको करना पड़ता है, अपनी फैमिली के लिए ही आपको करना पड़ता है। तो मैं सेम सिचुएशन में हूँ, मैं भी अपना प्यारा सा MP छोड़ के यहाँ पर आई हूँ। सो मजबूरी भी रह सकती है इंसान की कि वो ये चीज़ करके आया है, बट हाँ हमें अपनी मजबूरियों से भी प्यार हो जाता है। सो दिल्ली पुलिस इज़ गुड। सो दोस्तों, अब जॉब गुड और बैड लोग जैसे कहते हैं कि किन किन चीज़ों से हम देख सकते हैं कि एक मैं आपको पैरामीटर्स बताती हूँ। जैसे लोग तीन पैरामीटर्स देखते हैं, पीस, मनी एंड प्राइवेट लाइफ, जो अपनी पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ होती है। तो दोस्तों, सैलरी ठीक है, नॉट मच, लेकिन जितना हम काम करते हैं, जितने हमारे ड्यूटी आवर्स होते हैं, सैलरी उतनी नहीं होती। तो ये हमें कभी कभी बहुत खटकता है एंड बुरा भी लगता है कि यार पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, मतलब सैलरी हमारी काफ़ी कम है। ठीक है, बहुत थक जाते हैं हम, हमें ऐसा लगता है कि हम बैंक में 4-5 घंटे काम करते तो हमें इतनी ही सैलरी मिलती, शायद इससे ज़्यादा। पर जब दोस्तों हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना, कि बैंक में रह के कभी आप वैसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते जो हम इस फील्ड में रह के कर सकते हैं, कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके। मैंने जैसे किसी को इंसाफ दिला दिया, किसी की कंप्लेंट सुन ली, केस रजिस्टर कर दिया, या दो लोगों की मार पिटाई थी उनका कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया कि आप अच्छे से रहो एंड दे आर लिविंग गुड एज गुड फ्रेंड्स नाउ। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप कर सकते हो। कोई आपको मिसिंग पर्सन मिल गया, कोई पागल इंसान मिल गया जिसको नीड की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, हमने उसे मतलब पकड़ा, उसे समझाया या उसे अपना उसका ध्यान रखा, फिर उसे छोड़ के आए, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो NGO हो, तो बहुत खुशी होती है। ये सारी चीज़ें आप इन चीज़ों से भी इस चीज़ को नाप सकते हो कि दिल्ली पुलिस कैसी, ठीक है, या अदर जॉब्स के कंपैरिजन में। उसके बाद दोस्तों पीस, तो पीस मैंने ये बोला है, पीस कम्स फ्रॉम विद इन। कुछ तो बिल्कुल काम ना करके भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कुछ पूरे दिन भर काम करके भी पीसफुल रहते हैं, तो ये आपके अंदर से आती है, नॉट डिपेंडिंग ऑन दी जॉब। कई बार लिटरली फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बट यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू विल हैव टू मेडिटेट फॉर बियरिंग ऑल दिस शिट। सो पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 20% बचती है। अगर मैं इसका एक चार्ट बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा कि आपका थाने में टाइम कटेगा, कोर्ट में टाइम कटेगा, दिन भर थाना, कोर्ट एंड थोड़ा सा टाइम बचेगा फैमिली के लिए, ठीक है, और हॉस्पिटल ऑब्वियसली। थाने में आपका 30% टाइम, 30% कोर्ट में टाइम, हो गया 60, 10% आपका हॉस्पिटल में टाइम, 70, 80, 90, 100, आपकी 30% बचा हुआ है। इसमें से आप देख लो आप कहाँ कितना दे पाओगे फैमिली, और उसके बाद कहाँ कितना टाइम दे पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज CGL और CPO, डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन इंडिविजुअली। जैसे कि मुझे जॉब ठीक लग रही है बिकॉज आई एम सोशल, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड CGL भी अच्छी है, अगर मिलती तो मैं करती, नहीं मिलती इन द सेंस मैंने पेपर ही नहीं दिया, मैंने मेंस ही नहीं दिया था, मिस हो गया था मुझसे मेंस ID प्रूफ की वजह से, सो मिस हो गया था एंड आई वॉज सेलेक्टेड इन SSC CPO। सो मैंने सोचा कि अब मैं क्यों किसी की सीट वेस्ट करूँ, बेटर है आई एम ज्वाइनिंग दिस। ओके, सो अगर आप थोड़े से पीस लवर हैं, आपको परेशानियां नहीं चाहिए, तो आप CGL में जाइए, लेकिन आप थोड़ी सी परेशानियां हैंडल कर सकते हैं तो आप दिल्ली पुलिस ले सकते हैं। क्या ये मैनेजेबल है? डेफिनेटली मैनेजेबल तो है, कर रहे हैं इतने लोग, जो इतने लोग मैनेज कर रहे हैं तो कर ही रहे। सो सीनियर्स और डिपार्टमेंट कैसा है? सीनियर्स हर जगह अलग अलग हैं, जैसे मेरे सीनियर अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो बहुत ही प्यारे हैं, जो मैं आपके सामने यहाँ बैठ के थोड़ा हंसमुख चेहरा लेके वीडियो बना पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माय सीनियर्स एंड डिपार्टमेंट। सो हर जगह के SHO अलग होते हैं, हर जगह के ACP अलग होते हैं, वो आपकी किस्मत है कि आपको कैसा सीनियर मिल रहा है, हमें तो बियर करना पड़ता है। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि उनके गुस्से का आदत डालनी पड़ेगी, लाइक अगर किसी ने डांटा तो यहाँ से गया, यहाँ से निकाला। आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब जब स्टार्टिंग में अगर मुझे कभी कोई डांट पड़ जाती थी तो मैं मेरा रोना निकल जाता था एंड आई यूज टू क्राई लाइक फॉर 2-3 आवर्स, बट अब थोड़ी सी आदत पड़ चुकी है।
ठीक है. सो आपने इतना वो नहीं होना है सेंसिटिव की बहुत. मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ बट मैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ. डिपार्टमेंट इज़ गुड. बस थोड़ा सा पड़ोसियों वाली आंटी टाइप का डिपार्टमेंट है जो बहुत चुगलियाँ करता है यहाँ वहाँ. सो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ को लेकर भी. ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट इज़ गुड. अदर डिपार्टमेंट्स इन दिल्ली पुलिस, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अदर ब्रांचेस, मतलब अकाउंट्स होता है. अब हमारा जैसे ऑफिस होता है, DCP ऑफिस होता है, वहाँ पर भी कई अकाउंट ब्रांच, ये ब्रांच, वो ब्रांच, कंप्लेंट ब्रांच, सारा कुछ होता है. जैसे अदर डिपार्टमेंट्स में साइबर सेल आता है ना, सिक्योरिटी यूनिट आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आपको जिस तरीके का काम पसंद है आप उस तरीके का काम कर सकते हैं. इसमें फील्ड वर्क आपको पसंद है तो आप फील्ड वर्क कर सकते हैं, आपको ऑफिस वर्क पसंद है तो आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ दिल्ली पुलिस, ये मैं आपसे वैसे सैलरी मैंने बताया कि काफ़ी कम सैलरी है. अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, ऐसा सुनने में आपको अच्छा लगेगा, ओके लेट मी अपनी सैलरी बताने दो. मेरी 60 आती है सैलरी, ठीक है. तो काफ़ी लोगों को लग रही होगी कि हाँ ठीक है 60 इज़ गुड, बट हम जितना काम करते हैं ना, हमें लगता है कि यार और मिलना चाहिए था, बिकॉज हमारा कई हमारा ऑलमोस्ट डेली का 12 आवर्स से ज़्यादा ही होता है, ऑलमोस्ट डेली. सो लगता है कि कम सैलरी है, बढ़नी चाहिए. बाकी आपके जो सीनियर्स हैं उनकी बढ़ती जाती है, जैसे कि आप ASI होंगे कुछ जो प्रमोटेड होंगे, उनकी सैलरी मुझसे भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट्स, नॉट बिकॉज ऑफ द पोस्ट. ओके, जब मैं उनके लेवल पे पहुंचूंगी, उनके एज में पहुंचूंगी, तो मैं भी कई गुना ज़्यादा फिर कमाऊंगी, है ना, मेरी भी सैलरी बढ़ जाएगी. सो इंक्रीमेंट्स और ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है सैलरी. क्वार्टर्स इन दिल्ली पुलिस, ये भी किसी ने पूछा था. क्वार्टर्स दोस्तों होते तो हैं दिल्ली पुलिस वाले ऑफिशियल्स के लिए, बट ईजी नहीं होते मिलने, काफ़ी टफ होते हैं, बिकॉज इतने सारे इसमें हमारे स्टाफ होता है, तो डजेंट, मतलब हमें नहीं पता किसका चांस लग जाए किसका नहीं लगे. तो इसलिए आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे क्वार्टर्स पे, आपको अपना रेंटेड रूम लेना होगा. अपने किसी भी पार्टनर के साथ आप रह सकते हो, रूम पार्टनर के साथ, या फिर आप सिंगल भी रह सकते हो, जैसे मैं रहती हूँ सिंगल. तो क्वार्टर्स के भरोसे आप नहीं रहेंगे, और क्वार्टर्स मिल जाते हैं कई बार, और बेनिफिशियल हैं क्वार्टर्स वैसे. जो फैमिली के साथ रह रहे हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, बजाय उनके जो सिंगल रहते हैं. पर्सनल कार NDPSI नहीं मिलती, पर्सनल कार SHO सर की गाड़ी होती है, एक होती है हमारी जो इंस्पेक्टर लेवल पर्सन होते हैं उनकी, उसके अलावा एक थाने की गाड़ी होती है जो आप सब इंस्पेक्टर्स यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. जैसे अगर मुझे कोर्ट जाना है किसी काम से अर्जेंट, अगर मुझे कोर्ट में बुलाया गया है या मेरा कोई मैटर फंसा हुआ है और कार अवेलेबल है, तो मैं किसी सिपाही को या किसी को साथ लेके जाऊंगी कि मुझे यहाँ यहाँ आप ड्रॉप कर दीजिए, तो वो मुझे यहाँ पे छोड़ देंगे, और कम टाइम का काम है तो रुक जाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे वो. ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करते हो उसे. आपकी कोई भी पर्सनल कार नहीं होती एक सब इंस्पेक्टर की इन दी थाना. ओके, आप सोच रहे हैं कि बस मैं यहाँ ले लेके घूमूं, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाऊं या वीडियो बनाऊं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल विद दैट पर्टिकुलर कार. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन था पर्क्स ऑफ DP, मतलब प्रोज एंड कॉन्स, एक तरह से ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. तो दोस्तों देखो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, इसमें आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली पुलिस कैसी कैसी है. एंड प्रोज एंड कॉन्स में दोस्तों, हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि अगर आज कोई केस रजिस्टर मैंने किया है और विद इन 24 आवर्स मैंने एक्यूज्ड अरेस्ट कर लिया है, उसका जो मेन कल्प्रेट है, मुलजिम मैंने अरेस्ट कर लिया है, तो मुझे 2000 rupees का रिवॉर्ड मिलता है उस अरेस्ट पे. एंड काफ़ी खुशी होती है, एक अप्रिसिएशन लेटर मिलता है फ्रॉम द DCP ऑफिस, एंड दैट फील्स प्राउड. और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दोस्तों हमें, जैसे कि अभी एक मैसेज आ रखा था कि फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड ऑल, दो चार स्पोर्ट्स के नाम उठे, रेस्लिंग, कि इनमें जो जो इंटरेस्टेड है, खो खो, इनमें जो जो इंटरेस्टेड है वो अपने नाम दीजिए, बिलो दिस एज ग्रुप और बिलो दिस एज ग्रुप. तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे स्पोर्ट्स में जाने की भी, अगर जिसे पसंद है और इस टाइप के स्पोर्ट में है तो इसमें आ सकता है. ओके, और ड्यूटीज लगती हैं दोस्तों, अरेंजमेंट ड्यूटी. दिल्ली का हर एरिया अलग है, आप हर एरिए को एक जैसा नहीं समझ सकते. जैसे कि जिस एरिए में मैं हूँ वहाँ पे काम थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे आपने एक पाताल लोक सीरीज देखी होगी, तो उस टाइप का एरिया यहाँ पर है, थोड़ा परेशान हो जाते हैं उस एरिए में, बट हाँ सब जगह अलग अलग है. कुछ हमारा जो एरिया है बहुत ही पॉश एरिया है एकदम, जहाँ पे जॉब करके मजा आ जाए, जहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होता,
तो डिपेंडिंग है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्टिंग के लिए कि मुझे इस जगह पर पोस्टिंग चाहिए बेस्ड ऑन योर फैमिली, या फिर आप कुछ भी लगा सकते हैं कि मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं या मेरी वाइफ यहाँ है, इनका थाना है, या इस तरीके से आप पोस्टिंग ले सकते हैं अप्लाई करके। अरेंजमेंट ड्यूटीज होती हैं सेंट्रल वाले एरिया में ज़्यादा होती हैं, उनमें काफ़ी परेशानियाँ आ जाती हैं, और आई थिंक अरेंजमेंट ड्यूटी से अच्छा आईओ का काम है। एंड दोस्तों आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप नहीं देखोगे इतना, तो हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं या बाकी जो भी टॉपिक पे वीडियो है वो मैं नेक्स्ट देखूंगी, ठीक है? ये आई थिंक काफ़ी बड़ा हो गया होगा। प्लीज़ बियर विद दिस वीडियो। एंड हाँ, मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ही कहती हूँ आपसे, तो इसका मतलब ये नहीं है करना भी नहीं है, कर दिया करो, ठीक है? मैं इतने रात को अपनी नींद हराम करके अगर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो कर दिया करो यार, ठीक है? सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, एंड मैं नेक्स्ट किसी वीडियो मतलब टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू।